गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई विल टीच यू अबाउट प्रेसिपिटेट लेबर. प्रेसिपिटेट लेबर, अ लेबर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज लेस देन 2 आवर. प्रेसिपिटेट लेबर उस लेबर को बोलते हैं जबकि कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का कंबाइंड ड्यूरेशन जो होता है वो दो आवर से भी कम होता है, लेस होता है. इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेट लेबर. नॉर्मली ये माना गया है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो एवरेज, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का एवरेज आवर जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा में जो होता है 12 से 14 घंटा होता है, और प्लस उसमें यदि आप सेकेंड स्टेज का टाइम जोड़ दोगे तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा, मतलब 13 घंटा होता है. और सेकेंड मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटा होता है फर्स्ट स्टेज का टाइम, और सेकेंड स्टेज का टाइम होता है हाफ एन आवर. तो जब ये जो आवर है जिस केस में आपको 12 से 14 घंटा लगना चाहिए, जब वो आवर 2 से 3 घंटे का हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेट लेबर. मतलब कि जब फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का एवरेज लेंथ ऑफ लेबर जो होता है वो घट के 2 आवर हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू वेरी फास्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है इस कारण से. इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेट लेबर और इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मल्टी पैरा वुमेन. ये मल्टी पैरा वुमेन में देखने को मिलता है. रैपिड एक्सप्रेशन इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद डिमिनिश सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस. सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस के कारण यूट्रस जो होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और इसके के कारण रैपिड एक्सपल्शन होता है, बहुत तेजी के साथ एक्सपल्शन होता है बेबी का. इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेट लेबर. और प्रेसिपिटेट लेबर में ये माना गया है कि पर आवर जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है. इटियोलॉजी, इट इज़ मोर कॉमन इन मल्टी पैरा वेयर देयर आर मल्टी पैरा वुमेन में देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग उस वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. एंड देन स्मॉल साइज का जो बेबी रहता है यदि है तो भी बहुत चांस है प्रेसिपिटेट लेबर का. रूमी पेल्विस है एंड मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस के कारण भी क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर होता है. एंड देन कॉम्प्लिकेशन, मटर्नल लेसिरेशन ऑफ द सर्विक्स वजाइनल एंड पेरिनियल एरिया. जो मटर्नल कॉम्प्लिकेशन है उसमें लेसिरेशन होगा सर्विक्स वजाइनल पेरिनियम में, शॉक्स हो सकता है, इन्वर्जन, यूट्रस का इन्वर्जन हो सकता है, मतलब यूट्रस जो होता है इन्वर्ट हो सकता है इनसाइड, पोस्टपार्टम हेमरेज PPH हो सकता है, एंड सेप्सिस ड्यू टू लेसिरेशन एंड इन अप्रोप्रिएट सराउंडिंग. लेसिरेशन होगा सेप्सिस के कारण, सेप्सिस किसके कारण होगा, लेसिरेशन के कारण होगा, और यदि उसके आसपास का इन्वायरमेंट इन अप्रोप्रिएट है उस कारण से भी होगा. देन कॉम्प्लिकेशन, फीटल कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है इंट्राक्रेनियल हैमरेज ड्यू टू सडन कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन ऑफ द हेड. इंट्राक्रेनियल हैमरेज होगा ड्यू टू कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन ऑफ द हेड के कारण. फीटल एस्फेक्सिया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसिंग द फीटल परफ्यूजन. जो फीटल एस्फेक्सिया 2 कारण से होता है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी जल्दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण, जिसके कारण क्या होगा प्लेसेंटल परफ्यूजन होगा, लेक ऑफ इमीडिएट रिसक्सिटेशन. और यदि हम बेबी को तुरंत इमीडिएट रिसक्सिटेट नहीं कर पाएंगे तो भी होगा. एंड एवल्शन ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड, यदि हम एवल्शन ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब होता है कि यदि एम्बिलिकल कॉर्ड को हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब वो नीचे आता है तो क्या होता है, उसका चांस ये रहता है कि उसमें कोई इंजुरी हो सकता है. एंड फीटल इंजुरी ड्यू टू फॉलिंग डाउन, फीटल को इंजुरी हो सकता है फॉलिंग डाउन के कारण. मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, इनहलेशन एनेस्थीजिया एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज गिवन टू स्लो द कोर्स ऑफ लेबर. इनहलेशन एनेस्थीजिया देना है लेबर के प्रोग्रेस को, जो कोर्स है या लेबर के टाइम को कम करने के लिए, जिसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन एक का कॉम्बिनेशन एक साथ देते हैं. टोकोलाइटिक एजेंट एज अ रिटो ड्रीन मे बी इफेक्टिव. टोकोलाइटिक एजेंट वो एजेंट होता है जो कि क्या करता है, टोकोलाइटिक एजेंट वो मेडिसिन होता है दैट कैन बी इनहेबिट द लेबर, जो कि क्या करता है लेबर प्रोग्रेस को या लेबर का जो टाइम रहता है उसको बढ़ाता है या फिर लेबर को रोकने का काम करता है. मेडिकेशन दैट कैन बी इनहेबिट द लेबर, जो लेबर को इनहेबिट करता है, इट इज़ कॉल्ड द टोकोलाइटिक एजेंट. एंड इपिजॉटमी टू गिव इपिजॉटमी टू अवॉइड द पेरिनियल लेसिरेशन एंड द इंट्राक्रेनियल हैमरेज. हमको इंट्राक्रेनियल हैमरेज को रोकने के लिए और पेरिनियल लेसिरेशन को रोकने के लिए इपिजॉटमी देना है. एंड द मैनेजमेंट,
बिफोर डिलीवरी. पेशेंट हु हैड प्रीवियस प्रेसिपिटेट लेबर शुड बी हॉस्पिटलाइज बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. पेशेंट जिसका प्रीवियस हिस्ट्री है प्रेसिपिटेट लेबर का, उसको हमको पेशेंट को प्रीवियसली हॉस्पिटलाइज करना है एक्सपेक्टेड ड्यू डेट के बिफोर, क्योंकि शी इज़ मोर प्रोन टू रिपीटेड प्रेसिपिटेट लेबर. उसको बहुत सा ज़्यादा चांस है कि उसको फिर से प्रेसिपिटेट लेबर होने का दोबारा चांस रहता है.